बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ फावर अली और आप देख रहे हैं कुकिंग कैफे। तो व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार स्वीट डिश, जिसका नाम है बेसन का हलवा। बेसन का हलवा बनाना बहुत ज़बरदस्त, बहुत आसान है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे सूजी का हलवा बनाते हैं, ये उससे ज़्यादा मज़ेदार होता है। ये बनाने वाले पे डिपेंड करता है, इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ और आपको बना के दिखाता हूँ, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। तो आइए हम चलते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ और आप देखते रहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो आइए व्यूअर्स, मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देता हूँ। तो हमें सबसे पहले लेना है बेसन। ये देखें, ये हमारे पास बेसन है। बेसन हमने ले लेना है 1 कप। और ये हमारे पास मौजूद है कुकिंग ऑयल, ये भी हमने लेना है 1 कप। और इसके साथ ये है दूध, दूध भी हमने 1 कप लेना है। ये पानी है, पानी हमने 1/2 कप लेना है। और ये हमारे पास शुगर है, ये भी हमने 1 कप लेना है। और इसके साथ हमें चाहिए, देखें, ये है इलायची, इलायची हमने ले लेनी है 4 से 5 अदद। जी तो व्यूअर, सबसे पहले जो काम है वो हमने ये करना है कि ये जो पानी है ये हमने ऐड करना है। पानी हमने ऐड कर देना है कुकिंग पैन में। ये हमारे पास जो पानी है 1/2 कप, ये हमने, ये देखें, ऐसे इसमें ऐड कर देना है। और इसके साथ हमने ऐड कर देना है दूध, ये हमारे पास मिल्क है, ये देखें, ये भी हमने ऐड कर देना है ऐसे। बहुत ज़बरदस्त, बहुत सिंपल सी रेसिपी है। ये हम फ्लेम ऑन कर लेते हैं, ये देखें, ये फ्लेम ऑन हो गया है। और दूध और पानी को हमने लाइट फ्लेम पे थोड़ा सा पकाना है, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए ऐसे अच्छी तरह पकाना है। पकाने के बाद फिर मिलते हैं जी। तो व्यूअर्स, ये देखें, पैन में हमने जो पानी और मिल्क ऐड किया था, दूध, ये देखें, अच्छी तरह गर्म हो गया है। इसे हमने थोड़ी देर के लिए गर्म करना था। अब हम इसमें ऐड करते हैं इलायची। ये जो इलायची है ये हमने इसमें ऐड कर देनी है। इलायची ऐड करने के बाद फ्लेम हम बंद कर देंगे और इसे निकाल लेंगे एक अलग-अलग बर्तन में, दूध और पानी के मिक्सचर को। जी तो व्यूअर्स, हमने दूध और पानी के मिक्सचर को एक अलग बोल में निकाल लिया। अब हम इसमें, ये देखें, उसी पैन में हमने घी ऐड करना, जो मैंने आपको पहले बताया कि हमें घी चाहिए। ये घी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम अपने फ्लेम को ऑन करते हैं और इसे थोड़ी देर के लिए गर्म करते हैं। गरम करने के बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे बेसन। जी तो व्यूअर्स, ये देखें, हमारा कुकिंग ऑयल गरम हो गया। अब हम, मैंने आपको बताया कि इसमें ऐड करना है बेसन। ये जो हमने 1 कप बेसन लिया है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखें, इस तरह ऐड कर देना है और इसे अच्छी तरह हमने हलाते रहना है। अब हमने इसे 10 मिनट के लिए पकाना है, 10 मिनट के लिए। 10 मिनट पकाने के बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे चीनी, यानी शुगर। मैं फिर आपको बताता हूँ, देखते रहिएगा ज़रा गौर से, ताकि हर बात की आपको समझ आए कौन सी चीज़ कैसे ऐड करनी है, कितनी ऐड करनी है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि वीडियो को पूरा वॉच किया करें, ताकि एक एक चीज़ की आपको अच्छी तरह समझ आए। जी तो व्यूअर्स, ये देखें, हमने कुकिंग ऑयल और बेसन को 10 मिनट के लिए अच्छी तरह पका लिया है। जब ये अच्छी तरह बन जाएगा तो बहुत ज़बरदस्त खुशबू आना शुरू हो जाएगी। अब हम इसमें ऐड करेंगे शुगर। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये हमारे पास 1 कप शुगर है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखें, ऐसे शुगर ऐड करके इसे हम अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। और जो हमने पहले पानी और दूध का मिक्सचर बना के रखा हुआ है, वो हम इसमें ऐड करेंगे हल्का हल्का। ये हमारे पास है दूध और पानी का मिक्सचर, जिसमें हमने इलायची भी ऐड की हुई है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे पैन में। ये देखें, अब हम इसे पकाएंगे
15 मिनट पकाने के बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और मैं आपको बताता हूँ। जी तो व्यूअर्स, ये देखें हमने बेसन का हलवा तैयार कर लिया है। ये देखें इसका जो कलर है ऐसे ब्राउन हो जाएगा ऊपर से, ये आप देख रहे हैं ऐसे ब्राउन हो जाएगा। और इसके टेस्ट को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए हम इसमें कोकोनट और किशमिश ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद हम मेहमानों को सर्व करेंगे। ये बहुत ज़बरदस्त बहुत ईजी तरीका है, जो भी मेरे भाई बहनें देख रहे हैं वो एक बार ज़रूर ट्राई करें। जी तो व्यूअर्स, ये देखें हमने बहुत ज़बरदस्त बहुत मज़ेदार बेसन का हलवा तैयार कर लिया है। अब हम इसके ऊपर ये देखें हमने लगाया है कोकोनट और किशमिश, इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए ये हमने इसमें ऐड किया है। तो जो भी मेरे भाई मेरी बहनें वीडियो मेरी देख रहे हैं वो एक बार ज़रूर ट्राई करें, एक बार ज़रूर बनाएं और मज़े से खाएं और मुझे दुआओं में याद रखें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे भाइयों कि मेरी बहनों कि मेरे चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। अल्लाह आपका हामिया नासर हो। बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह।